नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का, तो आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। आज गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। बता दें कि 6 सितंबर को अमित शाह जम्मू कश्मीर दौरे पर थे, वहीं आज वो कार्यकर्ताओं के साथ अहम कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे। आज घर घर मनाया जाएगा गणपति उत्सव, साथ ही इस वर्ष गणेश चतुर्थी के अवसर पर रवि योग ब्रह्मा योग का निर्माण भी हो रहा है। बता दें कि आज गणेश पूजा और मूर्ति स्थापना का शुभ मुहूर्त 11:02 से लेकर दोपहर 1:33 तक रहेगा। उत्तराखंड पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 में सफल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। बता दें कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने मुख्य परीक्षा के लिए जरूरी नोटिफिकेशन जारी किया है, जहां आज से अभ्यर्थी जमा कर सकेंगे उत्तराखंड पीसीएस मेंस परीक्षा के लिए फीस। 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में आज मुख्यमंत्री अभ्यर्थियों से मुलाकात करेंगे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 9 सितंबर को सुनवाई करेगा, लेकिन आज सीएम योगी प्रभावित अभ्यर्थियों से मुलाकात करेंगे। आज अयोध्या में होने जा रहा ऑफसेट प्रिंटर्स एसोसिएशन का आयोजन। बता दें कि 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रिंटर्स सम्मेलन में हिमाचल प्रदेश के उद्योग संगठनों के सदस्य भी मौजूद रहेंगे। 15 राज्यों 35 शहरों से 250 से भी ज्यादा प्रिंटिंग प्रोफेशनल हिस्सा लेंगे। पंजाब केसरी समूह के संस्थापक अमर शहीद लाला जगत नारायण की 43वीं पुण्यतिथि पर आदर्श नगर के गीता मंदिर में पंजाब खेल उद्योग संघ द्वारा खूनदान कैंप लगाया जाएगा। बता दें कि खेल उद्योग संघ पंजाब ने खूनदान कैंप की तैयारी पूरी कर ली है। आज हरियाणा में सक्रिय होने वाला है मानसून। बता दें कि मौसम विभाग द्वारा करनाल, सोनीपत और पानीपत में जारी किया गया है बारिश का हाई अलर्ट। बीते 24 घंटों के मुताबिक हिसार में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। आज से वैश्य महासभा हल्द्वानी द्वारा 7 दिवसीय गणेश उत्सव का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि रामलीला मैदान में गणपति महाराज पधारेंगे, वहीं हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दही हांडी का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आज झारखंड विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से भाजपा के टॉप लीडर विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन करेंगे। बता दें कि इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी और विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहेंगे। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री दरभंगा एम्स का निरीक्षण करेंगे। बता दें कि डॉक्टर गोपाल ठाकुर आज एम्स कार्यालय पहुंचकर निर्माण से जुड़े कार्य विषयों पर जानकारी प्राप्त करेंगे। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो आइए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। आज ही के दिन सन 1553 में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का जन्म हुआ था। आज ही के दिन सन 1822 में ब्राजील ने पुर्तगाल से स्वतंत्रता की घोषणा की थी। आज ही के दिन 1940 में नाजी जर्मनी ने लंदन पर हवाई हमला शुरू किया था। आज ही के दिन 1936 में तस्मानियाई बाघ विलुप्त हो गए थे। आज ही के दिन सन 1813 में संयुक्त राज्य अमेरिका में अंकल सैम का उपनाम दिया गया था। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।